अरे यार शूट किधर था, क्यों बुलाया इन लोग ने? अरे आज कोई वीडियो शूट नहीं होने वाला। चलो फिर चल। सुनो हाँ। तुम हमेशा हमें क्या बोलते हो, लड़के लड़कियों को हम हमेशा गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं, लेकिन लड़कियां हमारे लिए कुछ करती नहीं है। मदर्स डे में तुम लोगों को इतना मस्त गिफ्ट दिया, बर्थडे में गिफ्ट। हाँ वो सब हमें पता है, इसलिए ना हम किसी का एहसान नहीं रखते, ठीक है? ओके ओके। तो मैंने और अक्षदा ने डिसाइड किया कि हम तुम्हें एक सरप्राइज जगह पे लेके जाएंगे। सरप्राइज मां तो ये लोग किचन में बर्तन धुलवाने लेके जाएंगे। अरे नहीं, इसी वक्त हम जाएंगे और तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाएंगे। चलो अभी हाथ पकड़ो, हाथ से जंप करना है तुम्हें। ओके 3 2 1 गो। ये कहाँ आ गए हम लोग? हम लोग मालदीव पहुंच गए क्या? अरे तो वहाँ तो भागा बीच लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ है। अरे लड़कियाँ का छोड़ना, हम दोनों ना, हम दोनों आज पार्टी करेंगे, गोवा में करेंगे पार्टी। चलो तो आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों यहाँ पे क्यों है और बॉयज वहाँ क्या कर रहे हैं? Yes. तो मैंने और अक्षदा ने ना उन दोनों को सरप्राइज दिया है। तो उमेश और संकेत गए हैं गोवा। Yes, वो भी बॉयज ट्रिप के लिए। Yes, no wife, no बच्चे, कुछ नहीं। तो हम दोनों ने सोचा कि उन दोनों को थोड़ा सा मी टाइम दिया जाए, बॉयज टाइम दिया जाए, ताकि वो भी थोड़े खुश हो जाए। Yes, तो मुझे पता नहीं अक्षदा वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग पागल हो गए। वाटरमेलन मेरा, पाइनएप्पल मेरा। अभी खाते खाते जाएंगे बीच में। Let's go. अभी खाते खाते जाते हैं किधर और घूमने संकेत। Cheers. 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 करना ये रखना कैमरा नीचे, पहले करना अच्छे से। क्या कर रहा है? हो गया हो गया। अक्षदा क्या वो पहुंच गए होंगे? अरे पहुंच के खा पी के अब सो भी गए रहेंगे। उन्हें याद आती होगी क्या हमारी? कुछ भी पागल है क्या? वो मस्त एंजॉय कर रहे प्रीति। तू वो सब छोड़ ना, खाना ऑर्डर करना। लेकिन क्या करें, आदत नहीं है ना दोनों के लिए ऑर्डर करने की। हमेशा वो दोनों रहते हैं, अपनी पसंद का खाना वो रहते हैं और सब खुद का पसंद का मंगवाते हैं, सब खुद ही खा लेते हैं। क्या करें, कुछ अलग सा कुछ तो ट्राई करते हैं जो उन दोनों को पसंद ही नहीं है। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिख गया है, समंदर के अंदर है क्रूज शिप्स। यहाँ पर है 1 2 और ये जो है ये तो फिश की ही शेप की है ना? मुझे लेनी चाहिए थी हम दोनों को लेनी चाहिए थी यार, वो भी इंटरनेशनल सिलेबस। इंटरनेशनल सिलेबस, आप बताइए आपको स्टडीज में ये सब्जेक्ट है या नहीं? वेडिंग क्लासेस। वेडिंग मतलब इसमें क्या सिखाते होंगे कि जब आपको बीबी राइट तरफ से चप्पल मारे तो लेफ्ट तरफ कैसे झुकने का, या ये सिखाते होंगे अच्छी गोल रोटी कैसे बनाने का और कुछ? और उसने तो डांस भी दिखाया पर सिलेबस में। डांस नहीं है बे, वो डांस नहीं है, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो संकेत अभी हम कहाँ हैं? हम आ गए हैं डोना पॉला। ऐसा बोलते हैं कि गोवा में हर कपल को यहाँ पे आना चाहिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं और संकेत बीवियों को घर रख के इधर आए। संकेत इधर हाथ पकड़ के चलना लगता है तो अच्छा नहीं होता है, अपशगुन होता है। ये दोनों हाथ पकड़ के चल रहे। अच्छा चले गाइस, चलो आपको ऊपर का दिखाते हैं, आइए प्लीज कम।
बहुत अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि तूने पूरे दिन में ऑब्जर्व किया, उमेश और संकेत ने एक भी कॉल नहीं किया हमें। अरे अक्षता, वो तो हमसे पीछा ही छुड़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो गोवा में सफल हो जाएंगे। हम भी कॉल नहीं करेंगे। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे आए और हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे ना नेशनल गेम्स चल रहे हैं। और देखो ये जो बोर्ड्स दिख रही हैं, वो मेरा उंगली नहीं दिख रही है। ये जो बोर्ड दिख रही है, ये नेशनल, यहाँ पर ना टेन वाले ये चल रहे हैं नेशनल गेम्स। यहाँ पर उमेश ने भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ उमेश, तेरा रैंक कितना है नेशनल गेम्स में? मैंने खाने के उसमें पार्टिसिपेट किया था नेशनल गेम्स में। फर्स्ट आ गया तू? नहीं, फिर उसमें मैं थर्ड आया। क्यों फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट किसका है? क्योंकि दो ही कंटेस्टेंट थे ना, तो मैं थर्ड आया। तो ये है हमारा होटल जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग होटल है। उमेश तू झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ। हमारा तो वो होटल है ना, वो छोटा वाला हट है वहाँ पर। ऐसे क्यों बोला? पर प्रीति अक्षता ने बोला था बोलना अच्छे होटल में रुका है, इसलिए। झूठ क्यों बोलना? झूठ क्यों बोलना मतलब क्या? उन्होंने बोला है तो बोलना पड़ेगा, घर जाके खाना नहीं मिलेगा फिर। बता कौन से होटल में रुके अभी हम? खाना खाना है। वो देखो ये वाले होटल में, और ये इसके ऊपर वाला जो रूम दिख रहा है ना, ये पूरा हमने, पूरा फ्लोर हमने बुक किया है। मतलब राइट संकेत? कितना झूठ बोलना पड़ता है संकेत? नहीं नहीं वही है, वही है गाइस, ये है गाइस, पीस। मैं तो और शैंकी तो बहुत मिस कर रहे हैं गर्ल्स को, क्योंकि हमें घंटों घंटों एक जगह पर फोटो करना, हम फोटो निकालना हम मिस कर रहे हैं। कम से कम 50 फोटो एक पोस्ट में। ये देखो इधर 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 ऐसे 50 फोटो एक ही जगह पर निकालने पड़ते हैं, और अभी हमारे पूरे गोवा ट्रिप में मिलाकर भी 50 नहीं हो रहे। और दूसरा रीजन हम क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे मालूम पड़े पानी थोड़ा गहरा है, तो समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। हम जब भी आते हैं ना, तो पता नहीं हम बॉयज के लिए शॉपिंग करने क्यों आते हैं यहाँ पे, खुद के लिए कुछ लेते ही नहीं हम लोग। तो अक्षदा इनके लिए शॉपिंग करे क्या? नो संकेत, गोवा खत्म हुआ अभी? नहीं मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो गोवा को। अरे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उमेश कहाँ पे? उसे गोवा की इतनी याद आ रही है ना कि वो बाथरूम में बैठा है। ओफो ठीक है, तुम्हें गोवा जाना है तो हम तुम्हें फिर से गोवा भेजेंगे, लेकिन उसके पहले तुम मुझे और अक्षदा को यूरोप भेजोगे घूमने के लिए। नहीं ठीक है, मैं यहीं पे ठीक, मैं यहीं पर। अरे तो बर्डीज, आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद है तो इसे ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट करके बताना कि उमेश और संकेत को ना हमें कहाँ भेजना चाहिए ट्रिप के लिए, सिर्फ मैं और अक्षता, नो बॉयज। अरे संकेत सुनो तो सही,